क्योंकि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो यह समझ लीजिए मोदी खुद को गोली मार लेगा या विदेश भाग जाएगा या आत्महत्या कर लेगा। कुछ उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये खुश रहे और पूरा देश यदि रोए, हर विपक्षी पार्टी रोए तो मोदी ठहाक के लगाता अनपढ़ गवार रहे, जाहिल रहे और जय श्री राम का आरएसएस का झंडा ढोए। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मोदी जी का आतंक जंगल राज कहे देश के अंदर पूरी तरह से हावी है तो कोई गलत नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के आप पार्टी के मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और रिमांड पे लेना, यह समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं चाहिए, देश में विकास नहीं चाहिए, देश में अमन शांति नहीं चाहिए, ये तीनों चीज का देश में स्वास्थ्य नहीं बेहतर चाहिए, ये चारों चीज का ये सरकार दुश्मन है। गरीब सुखी से ना खा सके इसके लिए मोदी सरकार ने कमर तोड़ देश में महंगाई किया है और देशवासियों को बेतहाशा टैक्स लगा के उनको लूटने का काम इस हिटलर की सरकार ने जो किया है उससे पूरे देशवासियों की कमर की हड्डी तोड़ के, रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दिया। आप देखिए मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, अमेरिका जैसा देश, वहां की मीडिया तारीफ कर रही है भारत की कि शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में बहुत बेहतर हुई है। दिल्ली के एक एक नागरिक से आप पूछे, गरीब मजदूर से पूछे तो वो सब के सब खुश हैं, लेकिन नहीं, गरीब मजदूरों की खुशी मोदी को बर्दाश्त नहीं है। मोदी को खुशी अपनी बर्दाश्त है, भाजपाइयों की बर्दाश्त मतलब है और अडानी की पसंद है, मुकेश अंबानी की पसंद है, मतलब ये चार पांच कुछ उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये खुश रहे और पूरा देश यदि रोए, हर विपक्षी पार्टी रोए तो मोदी ठहाक के लगाता ऐसा, यानी के रावण कंस का राज, दुर्योधन का राज भारत के अंदर स्थापित मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी का वैसे भी घर परिवार नहीं है तो ये खुद तो सुखी, सिंगल एक मरे हुए मुर्दे के समान अकेले ही तो पड़ा रहता है मोदी, क्या है इसका, इसमें ये समझता है कि मैं स्वर्ग में वास कर रहा हूं। अरे अकेले रहने वाला आदमी किस काम का, ना मां का, ना बाप का, ना घर वाली का, ना जात बिरादरी वालों का, किसी का नहीं बन के रहा मोदी। इसीलिए हर देश के नागरिक से इसको भीतर से नफरत है, देखना नहीं चाहता ये देश की जनता को सुखी रहे, संपन्न रहे, देश हमारा खुशहाल हो। वो कहावत आपने सुनी है ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, तो मोदी के मुख में तो देशवासी जरूर आते हैं, राष्ट्र जरूर आता है, लेकिन राष्ट्र की कैसे फाड़ता है, राष्ट्रवासियों की कैसे वाट लगाता है ये हम सब देख रहे हैं। तो दिल्ली का विकास मोदी सरकार को पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, लेकिन आपको अडानी का घोटाला क्या मजाल है कोई बोल दे उसके ऊपर, ये है चोरों की डकैतों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको पीएम केयर फंड में लोगों से चंदा मांगता है,
लेकिन पीएम केयर फंड का पैसा कहां खर्च किया यह डकैत बोलने को तैयार नहीं है। डकैत डाका डाला है पूरे देश की जनता के जेब पे, पूरे देश की जनता की संपत्ति पे। डाकू है डाकू मोदी, डाके डालता है मीठी बुजवान बोल के लोगों का ध्यान कहीं और लगाता है और उसके बाद सीधा उसकी जेब, जैसे एक जेब कतरा भी हाथ की सफाई दिखाता है तो मोदी भी हाथ की जुबान की सफाई दिखाता है। और उसके बाद जरा सी तिरछी नजर घूमी, जैसे आपने देखा होगा कि बस में अगर आप सफर कर रहे हो, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में आप सफर कर रहे हैं तो चार जेब कतरे इकट्ठे हो जाते हैं, पब्लिक का ध्यान आकर्षित किया और उधर जेब साफ हो गई। तो वही ये डकैत आपका ध्यान कहीं और आकर्षित करता है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कारण जानते हैं आप लोग? सिर्फ अडानी के ऊपर से ध्यान हटाना ही एक मकसद है ताकि पब्लिक आप पार्टी की तरफ चली जाए, उधर सारे देश की जनता की निकाहें लगी रहे और इधर अडानी का मामला शांत हो जाए, विपक्ष हल्ला ना करे। और वैसे भी 2024 आने वाला है तो आप समझिए कि 2024 आने वाला है तो इसी तरह के जितने भी ईमानदार देश में नेता हैं, जितने भी विपक्षी हैं, उसको ईडी और सीबीआई के हवाले, भाई सब चीज आपका है, अंदर करो और चुनाव जीतो, क्योंकि ये बाहर रहेंगे तो खतरा है ना भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि किस मुद्दे पे जाएंगे ये? भाई देश को लूटा भारतीय जनता पार्टी ने, लूट के अडानी के खजाने में जमा किया भारतीय जनता पार्टी ने, देश का सारा गरीब मजदूरों का पैसा लूट के 5-star होटल जैसे हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यालय खोला। कहां से आए? इनके नाना दादा का पैसा था, हम जनता का पैसा, 5-star होटल जैसा पार्टी कार्यालय और हम जनता का पैसा लूट के, बैंकों का लोन पहले दो अपने मित्रों को, फिर उस लोन को माफ कर दो, फिर दोबारा कर्जा दो अपने मित्रों को, फिर अपने ही देश की संपत्ति बेच दो अपने मित्रों को। सोचिए, जरा समझिए, भारतीय रेल, भारत सरकार का, उसका मालिक किसको बनाया? अडानी को। एयरपोर्ट भारत सरकार का, उसका मालिक किसको बनाया? अडानी को। यानी भारत सरकार के नुमाइंदे नौकरी कर रहे हैं अडानी का, भारत सरकार नौकरी कर रही है अडानी का, ये देश के लिए नहीं जी रहे हैं, ये अडानी के लिए जी रहे हैं और अडानी को बचाने के लिए जी रहे हैं। 150,00,000 करोड़ रुपया ये LIC का और SBI बैंकों का पैसा अभी डूब चुका है, लेकिन कितनी ईमानदार मोदी की सरकार है कि एक जांच, मोदी की आदेश इतने बड़े कांड का नहीं दे रही है, और जिसका कोई कांड ही नहीं हुआ, जिसके ऊपर कोई कुछ हुआ ही नहीं, उसको जेल में उठा के उसके रिमांड ले रहा है, जबरदस्ती उससे उगलवाएगा डंडे मार मार के। समझ रहे हैं आप लोग? जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप देख लो, 5 साल के लिए सांसद बना है तो 100 गुनी उसके पास संपत्ति मिलेगी, उस पर जांच नहीं बिठाएगा सारे विपक्षी, और भी विपक्षी कब तक? जब तक के वो टूट ना जाए और टूट के भारतीय जनता पार्टी की गोद में ना चला जाए। अगर गोद में चला गया तो गंगा जल की तरह पवित्र हो गया, और यदि वो गोद में भारतीय जनता पार्टी के नहीं गया तो समझ लीजिए कि वो चोर है, डाकू है, आतंकवादी है, सब चीज है। अगर आज मनीष सिसोदिया कह दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, कोई मुकदमा नहीं, कोई जांच नहीं, खेल सारा समझिए। देश के नेताओं को, विपक्षी पार्टी के कद्दावर नेताओं को भय दिखाना ही एक मकसद है और उसको डैमेज करना मकसद है,
ताकि ये ना हम पे हावी हो सके, क्योंकि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो ये समझ लीजिए मोदी खुद को गोली मार लेगा या विदेश भाग जाएगा या आत्महत्या कर लेगा। क्योंकि जितना घोटाला मोदी के शासनकाल में इस 9 वर्षों में हुआ है, 75 साल में किसी ने नहीं लूटा जितना इस बे औलाद ने लूटा है देश को, और लूट के किसको दिया है? अडानी को। वरना सोचिए कोरोना वायरस के समय में सारा देश लॉकडाउन में बंद है और हजार गुना लाख गुना अडानी की संपत्ति बढ़ी है, तो पीएम केयर फंड में जितना पैसा मोदी ने इकट्ठा किया वो सारा पैसा अडानी के लिए किया, क्योंकि उसको नंबर वन उद्योगपति दुनिया का बनाना था, ये मकसद था नरेंद्र मोदी का। जय हिंद। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी इस देश के विकास और शिक्षा की दिशा में जो उन्होंने योगदान दिया है, इसको बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे गरीब के बच्चे देश में ना पढ़े लिखे, अनपढ़ गवार रहे, जाहिल रहे और जय श्री राम का आरएसएस का झंडा ढोए। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।